वैसे तो इंडोनेशियन हॉरर मूवीज की लिस्ट बहुत लंबी है और आपने भी कई सारी मूवीज ऑलरेडी देखी होगी, पर आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ वो 2024 की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट मंथ रिलीज हुई सुमाला की, जो एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है और यह बेड्स इलस्ट्रेशन द्वारा वायरल ट्वीट थ्रेड की एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो चलिए ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हुए जानते हैं कि मूवी की स्टोरी क्या रहने वाली है, और जैसे ही मुझे ये मूवी मिल जाएगी मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के सेमारंग सिटी से, जहां लोग काफी डरे हुए हैं और रात में अपने बच्चों को घर में ही रहने को कहते हैं, क्योंकि गांव में बच्चों की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौतें हो रही है। आगे हम देखते हैं कि सोईजिमन और सुलास्त्री गांव के बड़े लोगों में से एक है, जहां सुलास्त्री को बच्चा नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो एक तांत्रिक के पास जाती है जो उस पर काली विद्या करती है और कहती है कि उसे ट्विंस होंगे, एक जो सुंदर और दयालु होगी और दूसरी अगली और शैतानी। और ठीक ऐसा ही होता है, सोईजिमन और सुलास्त्री के ट्विंस होते हैं, पहली कुमाला जो सुंदर और दयालु होती है और दूसरी सुमाला जो अगली और शैतानी होती है, पर सुमाला पैदा होने के बाद ही मर जाती है। लेकिन उसके बाद गांव में छोटे बच्चे मरने लगते हैं और किसी को विश्वास नहीं होता कि कुमाला ये सब कर सकती है, क्योंकि वो बचपन से ही अबनॉर्मल थी, पर दरअसल उससे ये सारे काम सुमाला करवा रही होती है। तो आगे क्या होता है और गांव वालों को सुमाला के आतंक से छुटकारा मिलता है या नहीं, सोईजिमन और सुलास्त्री कैसे सुमाला का सामना करते हैं, ये तो पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आप इस मूवी को लेकर एक्साइटेड हैं तो।